अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच की चैन है कि एलसीडी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्ट ही नहीं गए इस जगह पर। ठीक है, अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं क्या इसमें पावर सप्लाई का मसला है या कि कार्ड में इसका मसला है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ, आपके बाद चेक कराते हैं इसमें क्या फॉल्ट मिलता है इसका। ये मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसका फ्रंट अलग-अलग कर लिया। अब इसका पैनल भी उठा लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी पावर सप्लाई चेक करते हैं क्या इसके सप्लाई में फॉल्ट है या इसके आगे बोर्ड में फॉल्ट है। इसका मैंने ये इसका 12 वोल्ट वाला ग्रिप ओपन किया, ओपन करके इसको चेक किया, इसकी पावर सप्लाई ठीक है क्योंकि इसकी पावर सप्लाई इसमें 18 वोल्ट दे रही है। ये इसके दोनों प्रॉड मैंने लगाई हैं नेगेटिव पॉजिटिव के। ठीक, ये मैंने इसका जो 12 वोल्ट के लिए ग्रिप होता है वो मैंने अलग कर लिया। ठीक, इसका मकसद ये है कि सप्लाई ठीक है, इसके बोर्ड में फॉल्ट है। अब हम इसका बोर्ड चेक करते हैं, इसके बोर्ड में ज़्यादातर तो इसके बोर्ड में ये फॉल्ट आता है, इसका ये जो 12 वोल्ट का रेगुलेटर बना होता है ये बाज़ का शॉर्ट हो जाता है, ये वाला रेगुलेटर शॉर्ट हो जाता है, ये इसके बाद को साइड के जो पीएफ वगैरह होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। अब मैं चेक करके आपको फॉल्ट निकाल कर दिखाता हूँ कौन सी चीज़ का हमें फॉल्ट मिलता है। इसमें जो बोर्ड लगा हुआ वो इसका बोर्ड नंबर हैगा, TSK 105A.03। ठीक है, ये इसके बोर्ड का मॉडल नंबर है। इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं ये क्या फॉल्ट मिलता है। इसका मैंने ये फॉल्ट ट्रेस कर लिया है, इसका ये जो बड़े साइज़ का पीएफ लगा हुआ इसमें वो शार्ट है। ये बज़र पर मीटर लगा हुआ, ये चेक कर लें फुल शार्ट और बज़र भी दे रहा है, ये बिल्कुल शार्ट है। ठीक है, अब इसको ये ओपन करता हूँ, उसके बाद इसके वोल्ट चेक करते हैं या दोबारा वोल्ट जाते हैं कि नहीं जाते। ये इसके वोल्ट अप डाउन हो रहे हैं, ये शॉर्ट है इसलिए ये मैंने इसका ग्रिप इसमें लगाया है। ठीक है, जैसे ये ओपन किया ये देख लें इसका 18 वोल्ट हो चुके हैं। अब इसका ये पीएफ मैं ओपन करता हूँ जो ये वाला इसका शॉर्ट है, ये वाला पीएफ। उसके बाद फिर दोबारा इसके वोल्ट चेक करते हैं और कार्ड भी चेक करते हैं ऑन होता है कि नहीं होता। ये मैंने इसका पीएफ ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको पावर दी और पीएफ ये देख लें इसमें पीएफ उतार लिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये कार्ड चल चुका है। ठीक है, ये रेड लाइट ऑन हो चुकी है, इसके पहले इसकी कोई रेड लाइट वगैरह ऑन नहीं हो रही थी और इसको रिमोट से ऑन स्टैंड बाई से रिलीज़ करने पर यह ऑन भी हो चुका है, ये देखें। अब वो इसके ऊपर स्क्रीन लगा कर चेक करते हैं। ये मैंने एलईडी चेक और लैंप के वायर वगैरह लगा दिए और उसके बाद ये एलसीडी हमारी ऑन हो चुकी है बिल्कुल फिट, वर्किंग भी है, आवाज़ भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही है। अब इसकी मैं फिटिंग करता हूँ, उसके बाद दोबारा आपको चेक करा देता हूँ। ये इसकी मैंने मुकम्मल फिटिंग कर दी है, ये इसको मैं स्टैंड बाई से रिलीज करने लगा। इसकी ऑडियो भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफिज़।